गंडीपेट के गेटा खोलने की वजह से मूसी नदी में बहुत ज़्यादा पानी भर गया। उसकी वजह से आसपास के जो इलाके हैं रसूलपुरा और मूसा नगर, वहाँ पे भी पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हम यहाँ के रेसिडेंट से और लोकल से बात करेंगे और इसकी वजह से उनको क्या क्या मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है वो पूछेंगे। देखिए हमारे घर की हालत, हम किसी को हर टाइम पे साथ देते, हमारा कौन साथ देने वाला ये बताइए। बस आप जब भी आते हैं हमारे पास रोड मांगते हैं, 1000-2000 रुपये देते हैं हमारे को, हम नहीं होना बोलते हो। हम क्या बोलते हैं, हमारी ज़िंदगी अच्छी होना, हमारे क्या साथ हो रहा, कुछ भी नहीं दे रहे। खाली रेटों पे रेटा बढ़ा रहे, हर चीज़ पे रेट बढ़ा रहे, गैस पे रेट बढ़ा दिए, तेल पे रेट बढ़ा दिए। आज हमारे घर की हालत देखो, हमारे घर में क्या है, 3 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चे हैं हमारे को, कोई साथ देने वाला है हमारे को? देखो पीने का पानी भी रोड से मंगाना पड़ता हमारे को। अब क्या चाह रहे भाई, सामान चले गए, अब दे तो सामान लाके, गवर्नमेंट कहीं बुलाती भाई गवर्नमेंट सामान। घर अलर्ट करे ना, आपको कुछ भी नहीं मिला। क्या मिलता, बैगन ना देते ना, कुछ भी नहीं देते। अब दिए तो आधा सामान वो नहीं आता ना। आप भाई कैसे आ रहा, आगे देखना आप देखो पानी कहाँ तक पूरा दिख रहा है, घरों में तो पूरा डूब रहे अंदर। अच्छा अब कैसा जाना, आप वही बोला। अभी आपके घर का क्या नुकसान हुआ साहब? हर चीज नुकसान हुई, पूरी फ्रिज नई फ्रिज खराब हो गई ना लैसो। अच्छा पूरा सामान चले गया, चूल्हा चले गया। अभी 3 साल पहले भी बहुत आया था पानी, जब भी कुछ भी ऐसी हो गया था, कुछ बोले ना करे ना, पूरा आ रहे इन टाइम पे आ रहे, उठा दे रहे, चले आ रहे, चलो चलो बाहर निकलो बोल के सबको हकाल दे रहे। पूरा आधे घर तक पानी साहब, पूरा पूरा पानी तो पूरा छाती के बराबर पानी है। वो पानी में कैसा रहेंगे, वो गड़बड़ गड़बड़ से सब भागे जब भी, और अभी भी रात में भी वैसी करे। हम लोगों को 5 मिनट पहले आके उठा के ले लेके चले गए सब, बाहर हकाल दिए, घरों को कुफलान डालो, चलो निकलो बोल के। कहाँ कहाँ बिस्तरा वहीं, जहाँ के कपड़े वहीं, जहाँ की चीज़ जो है सब, हर चीज़ सामान वैसे छोड़ दिए, निकल गए बाहर आके। पूरे बिस्तरे ख़राब हो गए, घर वाले जाके दूसरों में रह रहे, क्या करेंगे साहब, पानी आया तो अपन क्या कर सकते। आप यहीं रह रहे? हाँ यहीं बैठे हुए, देखो पैरा फूल गए, सुबह से गोली शुगर की बीपी की गोली नहीं खाई, वैसे ही बैठे हुए। वहाँ मेरा घर है, उधर पानी बहुत है, उसकी रफ्तार बहुत रहने से वहाँ पे तक नहीं जा रहे हम लोग। वो बाजू बिल्डिंग देने की वजह से वहीं से हम लोग कल रात से, इससे पहले भी पानी आया, बस्ती के बच्चे आके शाम में 20,000-10,000 दिए, तो हम लोग को 5,000-5,000 रुपये दिए, खाली खाना होना दिए ना, बर्तन नहीं कुछ नहीं, सब भह के गया। जब तो अभी भी नया फर्नीचर लाई, पूरा पानी है उसमें, सब घर पूरे टूटते हैं, देख लो जाके दरवाज़ा टूट गया सब अंदर ही। राशन भरे थे परसों, तनख्वाह मिली थी काम की, वो राशन भरे पूरा राशन बेकार हो गया, पूरा गैस का चूल्हा ख़राब हो गया, बच्चे दूध को रो रहे सुबह से, तो वहाँ मैं सास का नहीं भेजा है, खाने को कुछ भी नहीं है, ला रहे जिसको देना उनको दे रहे, भाग जा रहे, जिसको मिल रहा उनको दे रहे, नहीं है सोलंग रो रहे बच्चे, चाय को 10 रुपये तक नहीं है, रात से दुनिया का पानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे के पूरे घर आए हुए पानी में डूब गए, और घरों के अंदर तक पूरा पानी आ गया, अब अंदर जा भी नहीं सक रहे घर वाले, बाहर रहना पड़ रहा सबको। ये हाइट तक यहाँ पे पानी भरा हुआ है और अंदर और भी डीप है। मुझे 2 दिन से पानी आ रहा है, साफ करके रहे थे, कल से बहुत पानी आ गया, दरवाजे बंद करके निकल गए, खुले छोड़ दिए, सामान पूरे भर के चले गए, रात से लाइट नहीं है, और बाजू स्कूल में रह रहे हम लोग, बहुत तकलीफ आए, घर वहाँ किराए से है, लेके भी रखे तो मकानदार बोलते खाली करो बोलते, किराया भी नहीं करा, गवर्नमेंट बोलती घरान दे रही, कौन से घरान दे रही, किसको दे रही मालूम नहीं हो रहा। हम यहाँ 25 साल से, इससे पहले भी थे तो दूर होता बोल के हम लोग नहीं ले गए, किसको बोले मिला या नहीं मिला नहीं मालूम, हमारे को तो नहीं मिला, हमारे को घरों की गुंजाइश करिए आप। फ्री में चले गए, बह गए तो बच्चे घर घर परेशान हो गए, हम बच्चों को दूध पिलाए, ये जानवर है, इंसान भी अपने है, जानवर भी अपने है, इंसान के हिसाब से अल्लाह ताला वही हिसाब से आदमी को इंसान ही से बात करो बोल के। अब ये क्या है, मासूम जानवरों को नहीं, कोई भी एक आदमी नहीं सुन रहा, मैं पिला पानी पिला बच्चों को, ये टोकरा है उन्नों को पानी, ये नदी आई मूसा नदी है तो ऐसी मूसा नदी है यार रसल्ला। अभी पूरा माल लास्ट में ही हमारा, बहुत से बहुत 6 टन माल है, और क्या है बोल तो हमारा गोदाम का ही नहीं, चाराघाट बस्ती का भी बहुत लाश है, कुछ किससे गाड़ी चले गई, किसका सामान वगैरह बहुत कुछ चले गया सोए। अभी यहाँ पे क्या है देखो, कुछ लीडर आके देख रहा नहीं, हालांकि पुलिस वाले आ रहे, मगर उन्होंने यही बोल रहे कि पानी आने वाला है, खाली कर दो, इमरजेंसी में कैसा खाली करना भाई मेरे, कम से कम 1-2 दिन का टाइम दिए तो कोई भी, हालांकि आदमी क्या है कुछ गाड़ी मंगाता, कुछ ये करता, फलाने के घर पे कुछ सामान तो भेजता, अभी क्या है सडनली 1-2 घंटे का चांस दिए, बहुत से बहुत के
सामान सड़ली खाली कर दो। रात से तो पानी आया, ये रातें रात अड़ गए हम लोग, फिर सुबह से ये पानी गए नहीं, ऐसी चपानी, फिर बोल रहे कि अभी आता है पानी, अभी इस रात तक आएगा, तीन दिन का पानी रहेगा, ये मुश्किल उठाना पड़ेगा तीन दिन तक। हर साल बारिश का मौसम आता है, दूसरे तीसरे महीने को यही बोम है, यही घरों में पानी घुस जाता है। ये सारे स्कूल में हेल्प करते सर, वो लोग हम बच्चों को ले लेकर रहते, थोड़ा पानी रुका बोल के यहाँ तक आए घर देखने, फिर शाम होते फिर पानी आता, अबर भी मौसम है नौसा, हो सकता आए सिंगा बोल के डर के हम फिर वहाँ चले जाएंगे। वही अब खाने पीने के एक दो जने तो बांट के गए खाना वाना, बस बच्चों को बिस्किट वो बांट के गए। सलामुअलैकुम, मैं हूँ रज़िया बेगम, मेरे बाप दादाओं के ज़माने से मैं यहाँ हूँ, मेरी शादी भी यहीं हुई है, मेरे बच्चे भी यहीं हुए, भावा भी आ गए, नवासे पोतरे भी होने वाले, 6 महीने हो गए मेरी भाव की शादी होके, पूरा सामान डूब गया, मेरे बड़े बच्चे का सामान डूब गया, हम लोगों को कुछ मदद ही नहीं करते यहाँ पर, हमारे को लीडर बोलते हम मदद करते करते बोलते क्या है, लोग हम बोलते ऑनलाइन पर घर कर मिल जाता, वहाँ घर मिलता यहाँ मिलता, हम बचपने से सुन लेते हैं, अरे आज तक हमारा नहीं, हम इतनी मुसीबत नौकरियां करके झाड़ू बर्तन करके हम 4 पैसे जमा करके हमारा घर बना लिए, हम कैसा रह रहे क्या कर रहे हैं, हमारे को किधर से भी हमारे को हेल्प नहीं। जब आते हैं जब नदी छोड़ती है, एक दो दिन पहले हमारे को बोलना नदी छोड़ रहे माँ तुम अपना अपना बंदोबस्त करो, बोले तो हम लोग बंदोबस्त कर लेते कहीं घर देख लेते खुद ने, अब आधा घंटे में 10 मिनट में नदी छूट रहा तो पुलिस वाले आके बोलते माँ लिख लो लोग नदी आ रही बोले तो हम लोग बच्चों को सामान ले लेके किधर जाएंगे बताओ हमारे को, हाँ हमारा ठिकाना नहीं है, हमारे फैमिली यहीं छे, हमारे बाबा का इंतकाल होगा, हमारे दादा का इंतकाल होगा, हमारा ससुराल का यहीं छे, हाँ हमारे माँ बाप का घर, हम लोगों को दूर दूर घर भी नहीं है, यहीं छे हम लोग पूरे बहना 5 बहना हम लोग 5 बहनों के घर का वाटला होगा, अब हम किससे मदद मांगना किसको बोलना, हमको वोट डालो बोलते, हम वोट डालते हमारा वोट का मतलब क्या है हमारे को, किसके लिए डालना, हम हमारे क्या मिल रहा है हमारे को अच्छा बुरा, हम मुसीबत उठा रहे। 22 साल पहले आया था नदी, 22 साल के बाद फिर 2 साल पहले आया, जब भी हमारे को ये दिए हमारा दुनिया का सामान वो हो गया, हम लोग वाला बलाला उन लोगों को वोट डालते थे, अभी तक हमारे को आए भी नहीं, पूछे भी नहीं, ना हमारे को खाने को पूछते ना चाय पानी को पूछते, सब मैं बंडी लगाती हूँ नारियल की, 2 दिन से घर में हूँ, पावा सड़ गए मेरे पूरे, क्या कोई हमारे को पूछने वाले नहीं है, मर्द बच्चे हैं अलग अलग है, मेरे को 7 बेटे हैं, मैं करना तो खाना है और कोई आके पूछता नहीं करता नहीं, जबकि नदी छूटी थोड़े थोड़े पैसे दिए ये बना लिए, देखो पूरा पानी आ रहा घर में, ना वनने को आए ना बिचौने को आए। जी मैं यहाँ रहती हूँ, किराए का घर है मेरा, यही रहने वाले हम लोग, तो पानी आए जब से आपको क्या क्या मुश्किल का सामना करना पड़ता, और पूरा बिछौना चलेगा सुबह का एक पानी छोड़ दिया हम लोग, बाजू वालों को नहीं आके बैठे जी। और खाने का पीने का कैसा कर रहे हैं? दे रहे हैं लोग ला के तो दे रहे ऐसा पानी के नीचे ला के दे रहे तो ले लेके आप पर आ जा रहे हैं, यहाँ पर खा रहे भाव हमारी बच्चे दुकान करने बैठे हुए है, पानी तो नहीं हटा, तकलीफ बहुत है, कपड़े उपड़े पहने भी छुटे हुए हैं, वहीं से हम लोग ऐसा बैठे हुए है, अब पानी नहीं आया तो क्या करेंगे, तकलीफ होती है सोने करने, देखना किसका नहीं भी पड़ जाना जाके, बच्चे उच्चे तो वहाँ हैं, पानी नहीं आना बोल के दुआ कर रहे ऊपर का, हम लोग ये पानी आया तो संभाल ले रहे, ऊपर का पानी आया तो काम भीग जाते नहीं। जब लोगों के घरों में पानी आ गया तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एक स्कूल है खरीफ में, ये स्कूल में आके रह रहे जी, मैम यहाँ पे स्कूल में काम करते, तो मैम क्या है स्कूल का नाम? सेंट मार्फोर्ड पिन स्कूल। तो कितने लोग पानी आए जब से ये स्कूल में है? बहुत जने आए, बहुत जने आते, कभी भी ये स्कूल में है हेल्प करने को, ब्रदर हमारा ब्रदर कभी भी देखो हेल्प करते जी जी, कभी यही स्कूल में जाते लोग, अच्छा कभी हाँ। भी कुछ भी इधर ही चाहते लोग, पूरा अंदाजा कितने लोग अभी है यहाँ पे? 200 लोग, 100-200 इन लोगों को हेल्प भी करते ब्रदर, अच्छा खाने के उसमें वो भी ला के देते। कौन है ब्रदर है ऊपर, नाम क्या है उनका? राजू धरे। अच्छा जी, तो स्कूल में 100-150 लोग रह रहे और स्कूल की तरफ से उनके लिए खाने पीने का भी इंतज़ाम है और रहने का भी इंतज़ाम है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान ताज है, मैं चंद्रगढ़ मूसानगर में रहता हूँ भाई जी। तो पानी आए जब से आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा? अब एक लास्ट ईयर भी पानी आया था तो काफ़ी से ज़्यादा पानी था, उसमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, जब के पानी आने की वजह से कहीं घर तबाह हो गए, ऐसा बहुत सारे चीज़ों का प्रॉब्लम था। अब तो आज कल जो पानी आया है वो पानी ज़्यादा ही आ गया, रात में एक आधा घंटा पहले कुछ ऑफिसर्स आके बोले पानी छोड़ रहा बोलता, आधे घंटे में कौन कैसा घर खाली करेगा भाई, और यहाँ के मुकामी लीडर तो
वो लीडर ही छे वो उन लोगों का तो अलग ही मुकाम है यहाँ पे। तो पुलिस वाले आधा घंटा पहले आके बोले, आधा घंटा हाफ एन आवर पहले आके बोले भाई नदी छूट रही बोल, तो अब हम काम पे रहते, हम कैसा आके करेंगे, घर का काम कैसा करेंगे, हमारे हम सामान कैसा उठाएंगे, हमारे को सामान उठाए बाद गाड़ी कैसा मिलेंगी। और काम क्या करता आप? मैं AC टेक्नीशियन हूँ भाई। अच्छा जी। तो यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स है, अभी कल रात से लाइट भी नहीं है, अब यहाँ पे बेचारे लाइट नहीं रहने की वजह से यहाँ वहाँ जिधर उधर जिसके घर में पानी नहीं आया वहाँ पे सो जा रहे। तो अभी घर भी अलर्ट कर रहे बोल के हुकूमत बता रही, लेकिन आज तक तो ये मूसा नगर वालों को घर कहीं मिला नहीं। हुकूमत को अपने CM KCR साहब को भी मालूम होगा इस बारे में कि नदी छूटी बोल के, लेकिन आप एक बराए मेहरबानी घर दिलाइए यहाँ पे, यहाँ पे बहुत लोग एकदम गरीबी हालत में है। तो यहाँ पे लोगों से बात करे बाद हमारे को ये मालूम चला कि पुलिस वाले सिर्फ पानी आने के आधा घंटा पहले बोले कि पानी आ रहा, और आधे घंटे के अंदर सबको अपने घर खाली करना पड़ा। और सबसे बात करे बाद एक और चीज़ ये मालूम चली कि लोगों को जो कुछ भी मदद हुई, ऑर्गेनाइजेशंस, एक्टिविस्ट और उनके खुद के फैमिली मेम्बर से मदद हुई, और गवर्नमेंट और लीडर्स की तरफ से कोई मदद नहीं हुई। और यहाँ पे एक और एक चीज़ मालूम होती कि हैदराबाद में एक बहुत वाइब्रेंट कम्युनिटी है, जो कुछ भी डिजास्टर्स हुए तो लोग आके आके मदद करते, और अपना ख़ानदानी निज़ाम भी बहुत मजबूत है जिसकी वजह से लोग अपने फैमिली मेम्बर्स पर डिपेंड हो सकते कुछ भी हुआ तो। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अब तक फिलहाल मदद यहाँ पे लोगों को आई नहीं। ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। अगर आपकी वीडियो अच्छी दिखी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सियासत डेली। दिस इज़ आमा हज़ारी साइनिंग ऑफ़।